आ जाइए जी, सिट डाउन जी। थैंक यू सर जी, कहिए कैसा आना हो। सर हमको पता चला कि आपके यहाँ ऑफिस में मैनेजर के लिए एक सीट खाली है, उसी के लिए हम आए थे सर जी। डॉक्यूमेंट वगैरह है सर? जी अब तक 8 तक पढ़े हैं जी। हाँ सर, 8 क्लास तक ही पढ़े हुए हैं। 8 क्लास में कौन सा एथी होता है, और कुछ किए हैं 8 क्लास में? नहीं सर, और उसके बाद तो कुछ। तो 8 क्लास में कौन सा नौकरी मिलता है आपको, जानते हैं 8 क्लास के बारे में? और कुछ पढ़े नहीं है तो 8 क्लास का कैसे नौकरी कैसे मिलेगा? एक काम करिए, आप ये डॉक्यूमेंट रखिए और जाइए। 8 क्लास का यहाँ कोई नौकरी उकरी खाली नहीं है, घरे जाके काम करिए, घरे आप अच्छा पैसा कमा लीजिएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा सर? आप 12th कम्प्लीट करके आइए, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मतलब और कुछ कंप्यूटर वम्प्यूटर कुछ सीख के आइए, तब हो सकेगा। माय कम सर, आ जाइए बैठ जाइए। बोलिए किस उद्देश्य आना हुआ। जी सर हमको पता चला कि आपके ऑफिस में एक मैनेजर पोस्ट का पद खाली है, और उसी के लिए हम आए हुए हैं। जी खाली है एक पोस्ट, तो कोई डॉक्यूमेंट है? जी हाँ सर है। दीजिए। आप 8th पास हैं? जी जी 8th पास। तो 8th पास में कहीं नौकरी मिलता है? आप आ गए नौकरी लेने के लिए, और फिर 8th पास में कहीं नौकरी वोकरी नहीं मिलता है, घर में रहिए और पढ़ाई कीजिए। कम से कम 12th पास रहना बहुत जरूरी है आजकल। तो 12th पास कीजिएगा तभी आपको अच्छी जॉब मिल पाएगी। तो अभी कोई उपाय नहीं है सर? नहीं अभी कोई उपाय नहीं है, जब तक 12th पास नहीं कीजिएगा कोई नौकरी आपको नहीं मिलेगी अच्छा पद वाला। ओके थैंक यू सर। माय कम इन सर। कम इन, बैठिए। बोलिए जी। हमको पता चला है कि आपके ऑफिस में कोई मैनेजर का पद खाली है, उसी के लिए हम आए हैं। डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? जी हाँ है। आप 8th पास है? जी हाँ 8th पास है। 8th पास के लिए यहाँ कोई जॉब नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा? कम से कम 12th पास और एक्स्ट्रा जैसे कंप्यूटर ये सब होना जरूरी है। अच्छा ठीक है सर, तो अभी कोई उपाय नहीं है सर? कोई उपाय नहीं। थैंक यू सर। बहुत दिन हो गया है, पैसा वैसा नहीं दिए हैं आप। बैठिए, अभी तो हम काम कर रहे हैं, काम पर जाते हैं और मिलेगा वैसे वैसे हम पैसा देते जाएंगे। आप तो कब से इसी तरह कर रहे हैं? कुछ समय और चाहिए, क्योंकि आप लोग से पैसा तो लिए हैं, लेकिन पैसा तो देना है, लेकिन हम पढ़ने के लिए पैसा लिए हैं और अभी पढ़ाई कर रहे हैं देखिए। और अगले साल जो है सो मेरा इम्तिहान है वो फाइनल है, और उसके बाद हमको जॉब मिलेगा, उस तरह से हम धीरे धीरे पैसा चुकता कर देंगे, इसलिए हमको कुछ दिन का और मोहलत चाहिए। कुछ दिन का? कितना दिन का दें मोहलत? 1-2 साल का करीबन? 4 दिन का देंगे। ठीक, हम कुछ जुगाड़ कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, मिल जाना चाहिए है ना। बहुत दिन हो गया है हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, अच्छा ना लगता है हम लोग को भी। अच्छा ठीक है, आप लोग अभी जाइए, हम पहुंचा देंगे, अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, जरूर से जरूर से याद रखिएगा है ना। बहुत दिन तो कर्जा के चक्कर में पढ़ाई भी नहीं ठीक से कर पाते हैं, तो चलते हैं कुछ काम ही कर लेते हैं। चल कुछ काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ पैसा हो जाएगा, उसके बाद कुछ पैसा दे देंगे लोग को, उसके बाद काम हो जाएगा।
आज तो पैसा ले ही लेना है, आज पैसा लेके छोड़ना है, बहुत दिन हो गया है, बहुत दिन हो गया। आइए आइए, एक साल बाद आए हुए हैं। आज पैसा लेना है, बहुत दिन हो गया है, आज तो पैसा बैठो जी बैठो। अच्छा हाँ, पैसा देंगे, पैसा देंगे नहीं लेना, आज पैसा लेना चाहिए, आज कुछ भी हो जाए पैसा मिल जाना चाहिए। बैठिए बैठिए, आज पैसा ले लेना, आज पैसा चाहिए ने। और कुछ दिन का और मोहलत अगर मांगे तो कोई चांस नहीं, पैसा अभी तो आया नहीं है, नहीं कोई चांस नहीं, अभी पैसा चाहिए हम लोग को, तो चाहिए ही पैसा। और बहुत दिनों के इसी तरह टालते रहते हैं, हर बार बोलते हैं कि आप देंगे कुछ दिन में, देंगे कुछ दिन में, अभी पढ़िए रहे हैं ना, जॉब नहीं लगा है वो, आप समझ जाएंगे, हम लोग थोड़ी बोल कर दिए थे कि जॉब लगेगा। एक हफ्ता बाद आएंगे, पूरा पैसा लेंगे, आप पूछिए।